सर आगे देखिए प्लीज सर आगे जम्मू कश्मीर में क्या मैंने को भी लिखा कि मैं अपने ऑफिसर्स को लिखूं एयर फोर्सेस को लिखूं मैंने अपनी तरफ से भी आपकी चिट्ठी के कंडीशंस ली और मैंने आगे इनको भी लिखा कि आज के दिन जो है आप आइए और रक्तदान उनके आगे करिए आप देखिए ऐसा है मैं शॉर्टकट आपको खास करके जो पीछे हमारे टैलेंट्स वगैरह यहाँ है उनको बताना चाहूँगा कि खून जो है हमारे बोन मैरो के अंदर बनता है जो हड्डी का क्लोज होता है ना सर वो खून को बनाता है आरबीसी उसके अंदर बनते हैं हमारे अंदर अगर मैं सही हूं तो वो आरबीसी जब बनता है तो उसकी लाइफ जो है सिर्फ 120 दिन होती है सिर्फ 120 दिन 120 दिन के बाद उसको इस तरह भी तबाह होना है और वो जब डिस्पोज ऑफ होता है तो उसमें बहुत सारा काम काज अंदर करना पड़ता है तो लिहाजा अगर आप रक्तदान कर देते हैं तो इससे कोई भी फर्क हमारी बॉडी को नहीं होता है कुछ नहीं होता है कई लोगों के दिमाग में वो क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं इंप्रेशन ये है कि साहब खून अगर हमने निकाल दिया बॉडी में तो हम तो कमजोर हो जाएंगे ऐसे तो सबसे ज्यादा मैं थैंकफुल टू द डोनर्स मोस्टली हु आर फ्रॉम द बेल्ट फोर्सेस हु आर ऑलवेज रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री एंड द कंट्री मैन and they are in the forefront to donate the blood for safety of the jo muhim unhone chhedi hai blood ke liye koi aadmi marna nahi chahiye blood ke wajah se koi bachcha ya koi pregnant daughter problem nahi aani chahiye so badi achhi muhim hai aur hum sab inke saath hain in fact and I'm sure ki desh ke andar khas taur pe Kishtwar mein aisi aadat hogi ki kabhi bhi blood ki kami ki wajah se kisi ko nuksan nahi pahunchega ये तो ब्लड बैंक आपने ऑर्गेनाइज कराया है इसके अलावा भी कभी भी अगर कभी ब्लड की आवश्यकता होती है तो जितने भी यूनिफॉर्म वाले जो हम वहाँ पे ब्लड बनाते हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों के लिए ब्लड दे सके इसमें कोई कमी नहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पे करेंगे कुछ परिफेरी में या हमारे कॉलेजेस हैं इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ जहाँ हमें मौका मिलेगा वहाँ हम फंक्शन ये इस तरह के फंक्शन करके लोगों को मोटिवेट करेंगे उनको जो ब्लड डोनेशन के बारे में जो है उनके